बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5,540 करोड़ की लागत वाले पटना चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का देश के सबसे बड़े अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित करने हेतु परियोजना का शिलान्यास किया। माननीय मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 5,540 करोड़ रुपए की लागत से पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल को देश के सबसे बड़े अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित करने हेतु परियोजना का शिलान्यास किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अस्पताल का निर्माण कार्य 3 चरणों में होगा, साथ ही इमरजेंसी मरीज देश के किसी भी कोने से हेलीकॉप्टर द्वारा इलाज के लिए पीएमसीएच आ सकते हैं। यहाँ जो पीएमसीएच है वो किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं होगा, एक हिस्से में काम करेंगे, पीएमसीएच का काम चलता रहेगा और उसी तरह से 3 फेज में हम लोग बना देंगे। किस तरह से हेलीकॉप्टर से भी लोग आएंगे, अगर कोई गंभीर स्थिति में है उनको आए इमरजेंसी स्थिति में तो वो उसका भी इंतजाम किया गया, तो हर प्रकार से लोगों के आने का और यहाँ पर जो लोग भी रहेंगे, जो गाड़ियाँ रहेंगी उनको बहुत सारी गाड़ियों को भी रखने का इस तरह से आएंगे ताकि हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन मेडिकल कॉलेज किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं होगा, सब लोग अपना काम करेंगे और बाहर से जो चिकित्सा कराने के लिए आएंगे उन सब लोगों का भी प्रॉपर इंतजाम रहेगा और किसी को यहाँ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। बिहार विधानसभा के 100वां साल पूरा होने पर आयोजित समारोह में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि लोकतंत्र को अत्यधिक सुदृढ़ बनाने में विधानमंडल के सदस्यों की भूमिका पर परामर्श अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अपनी भूमिका के बारे में सब लोगों को समझना चाहिए, सबको मिलकर काम करना है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता मालिक है और निर्वाचित होकर आने वाले लोग उनके सेवक हैं। लोकतंत्र में जो हमारे विधानमंडल के सदस्य हैं उनकी भूमिका ये बहुत अच्छी बात है, आखिरकार लोकतंत्र के कारण ही तो सभी विधायक हैं और विधान पार्षद हैं। लोकतंत्र को और सुदृढ़ करने में उनकी जो भूमिका होनी है उस पर परामर्श। मालिक आम लोग हैं, जनता हैं, और बाकी लोग जो निर्वाचित होकर के आते हैं प्रतिनिधि और जो सरकार में आते हैं वो उनके सेवक हैं। ये कोई नहीं सोचे कि सरकार में आ गए तो हम ही पावरफुल हैं, बल्कि वो तो सेवक हैं, बाकी सब प्रतिनिधि हैं और मालिक तो जनता है, तो उनकी सेवा करने के लिए सब लोगों को एक मौलिक रूप से बिल्कुल कमिटमेंट होना है। नवादा के जिला पदाधिकारी यशपाल मीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के साथ धान अधिप्राप्ति कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक की। उन्होंने संबंधित सभी पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पंचायत आम चुनाव से संबंधित तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त बिहार द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान खगड़िया के जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष सहित सभी वरीय पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। बक्सर के जिला पदाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में कार्य संस्कृति एवं समन्वय की बैठक की गई। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को विभाग से संबंधित लंबित मामलों के प्रति शपथ पत्र को हाई कोर्ट में जल्द से दाखिल करने का निर्देश दिया। अररिया के जिलाधिकारी श्री प्रशांत कुमार सीएच ने सदर अस्पताल में लगे सीटी स्कैन मशीन का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों को उचित सुविधा प्रदान करने हेतु स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी श्रीमती अभिलाषा शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन, पल्स पोलियो, चमकी बुखार, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार आदि को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए, साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर के वैक्सीनेशन की तैयारियों की भी समीक्षा की। बेतिया के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की। उन्होंने विभिन्न कार्यालयों विभागों में कार्यरत कर्मियों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ ससमय दिलाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने सभी अंचल अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने ई मोटेशन के लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन का सख्त निर्देश देते हुए कहा कि प्रभावी ढंग से कार्य करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करें। सहरसा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने पथरघाट प्रखंड मुख्यालय में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय एवं थाना भवन निर्माण हेतु चिन्हित भूमि का स्थल निरीक्षण किया।
एवं संबंधित रैयतों से सहमति के आधार पर भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। नीतीश सरकार में कुल 17 नए मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें बीजेपी के शहनवाज हुसैन, जेडीयू के संजय झा का नाम भी शामिल है। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार होने के साथ ही नए मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा हो गया। शहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री बनाए गए हैं, तो संजय झा ने जल संसाधन, सूचना व जनसंपर्क मंत्री के पद का कार्यभार संभाला है। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि मैं सभी लोगों को बधाई देता हूं, सभी पूरी निष्ठा के साथ अपने दायित्व का पालन करते हुए बिहार की सेवा करें। आज मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया, मैं सब लोगों को बधाई देता हूं और सब पूरी निष्ठा के साथ बिहार की सेवा करें, अपने दायित्व का निर्वहन करें। ये हम सबसे ही आग्रह करेंगे और सब लोगों के विभाग का भी निर्णय किया जा चुका, हमने कर लिया है।